नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सक्सेस प्लेस में। अगर कोई आपसे कहे क्या स्टॉक मार्केट में बिना रिस्क लिए कमाया जा सकता है, तो उसका आंसर है यस। ETF एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, एक ऐसी सिक्योरिटी है जिससे आप स्टॉक मार्केट में जीरो रिस्क के साथ अर्निंग कर सकते हैं, बिल्कुल जीरो रिस्क। जिस तरह से आप FD में जमा करते हैं, FD में आपको 5% रिटर्न मिलता है, यहाँ आपको 5% से काफ़ी ज़्यादा, मतलब म्यूचुअल फंड है उससे भी ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। साथ ही साथ आपका रिस्क जो होगा बिल्कुल जीरो होगा। तो जीरो रिस्क के साथ कमाया जा सकता है, वो है ETF। तो ETF के बारे में जितने भी आपके मन में सवाल होंगे, सारे के सारे सवाल के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। चलिए तो ETF के बारे में हम डिटेल में इस वीडियो में सीखने वाले हैं। भाई ETF होता क्या है? एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। जिस तरह से म्यूचुअल फंड के लिए एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी होती है, उसी तरह से ETF जो है वो एक्सचेंज के द्वारा ट्रेड किया जाता है, एक्सचेंज के द्वारा चलाया जाता है। इसमें एक ग्रुप ऑफ स्टॉक्स होते हैं, मतलब बास्केट ऑफ सिक्योरिटीज होते हैं। इंडेक्स का जनरली ETF होता है, लेकिन अकेले एक गोल्ड का भी ETF है, आप गोल्ड के ETF को भी बाय सेल कर सकते हैं। लेकिन जो जनरली हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट है, वहां पर जो ETF आपको मिलेगा वो इंडेक्स का ही मिलेगा। तो इंडेक्स हमारा एक ग्रुप ऑफ स्टॉक से बनता है, जैसे निफ्टी है 50 स्टॉक से बना है। तो निफ्टी के ETF मतलब आपने 50 स्टॉक में इन्वेस्ट किया। सेंसेक्स 30 स्टॉक से बना है, जो टॉप 30 स्टॉक है BSE पर जो लिस्टेड है। तो अगर आप सेंसेक्स का ETF बाय करते हैं, मतलब आप टॉप 30 स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। साथ ही साथ ETF को आप ट्रेड भी कर सकते हैं, आप इंट्राडे में भी ट्रेड कर सकते हैं, आप पोजिशनल ट्रेडिंग स्विंग ट्रेडिंग भी ETF में कर सकते हैं। फर्स्ट हो गया, इट इज ए बास्केट ऑफ सिक्योरिटी, मतलब ETF में इन्वेस्ट करना मतलब एक ग्रुप ऑफ स्टॉक में इन्वेस्ट करना। जैसे म्यूचुअल फंड में एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, इन्वेस्टर से फंड रेज करती है, उसको स्टॉक्स में बॉन्ड में इन्वेस्ट करता है, उसी तरह ETF में हम इन्वेस्ट करते हैं, मतलब एक ग्रुप ऑफ स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं। जब ETF क्रिएट किया जाता है, तो उसमें जो ग्रुप ऑफ स्टॉक्स सेलेक्ट किया जाता है उसका ETF होता है। आप ETF को ट्रेड भी कर सकते हैं, आप इंट्राडे में भी ट्रेड कर सकते हैं, साथ साथ पोजिशनल स्विंग सारे ट्रेडिंग कर सकते हैं। लेकिन ETF को आप शॉर्ट सेल नहीं कर सकते हैं, मतलब इंट्राडे में आप शॉर्ट सेल कर सकते हैं, लेकिन आपको पोजिशनली ये शॉर्ट सेल करने नहीं मिलेगा। जिस तरह से हमें किसी भी स्टॉक के फ्यूचर में इंडेक्स के फ्यूचर में मिलता है कि हम उसे शॉर्ट सेल कर सकते हैं डिलीवरी में, किसी भी इंडेक्स के फ्यूचर को स्टॉक के फ्यूचर को, लेकिन इसमें आपको शॉर्ट सेल करने नहीं मिलेगा इंट्राडे में, लेकिन आप शॉर्ट सेल कर सकते हैं। अब आते हैं RETF सेफ। तो इस चीप जो है काफी ज्यादा सेफ है, लेकिन ETF में भी रिस्क है। अगर आप हायर लेवल पे किसी ETF में फंस जाते हैं, जैसे गोल्ड अपना ऑल टाइम हाई बना रहा है, अगर आप गोल्ड के ऑल टाइम हाई के समय गोल्ड ETF में इन्वेस्ट करते हैं और वहां से गोल्ड का प्राइस क्रैश हो जाता है और 3-4 सालों तक गोल्ड का प्राइस जो है उस प्राइस को क्रॉस नहीं कर पाता है, तो आपका जो मनी है वहाँ 3-4 सालों के लिए गोल्ड ETF में ब्लॉक हो जाएगा। उसी तरह अन्य ETF में भी आपके साथ हो सकता है, अगर आप हायर लेवल में ट्रेड करें तो वहाँ पर आपके लिए रिस्क है। तो जनरली ETF काफ़ी सेफ होते हैं। ये सेफ होता है बॉटम फाइंड आउट करने में, कोई इंडेक्स अपना बॉटम बना रहा है, गोल्ड अपना बॉटम बना रहा है, लेकिन हमें पता नहीं है कि ये इसका बॉटम है। जैसे निफ्टी 7500 अपना बॉटम बनाया, लेकिन किसी को पता नहीं था, लेकिन ये पता है कि लॉन्ग टर्म में स्टॉक मार्केट क्या रहने वाला है, बुलिश है। मतलब निफ्टी जो है उसको 7500 से ऊपर ही जाना था। यहाँ पर देख लीजिए, स्टॉक मार्केट हमेशा बुलिश रहेगा लॉन्ग टर्म में, तो हम वहाँ पर बॉटम पे इन्वेस्ट करना चालू कर सकते हैं। जैसे 8000 आया, हमने वहाँ पर SIP स्टार्ट कर दिया, किसमें? ETF में, क्योंकि हमें तो बॉटम पता नहीं है कि 6000 भी निफ्टी आ सकता है, लेकिन हम वहाँ पर जैसे 8000 आया उसमें SIP स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि हमें पता नहीं है कि निफ्टी वहाँ से ऊपर जाएगा या नीचे, लेकिन वहाँ पर SIP स्टार्ट कर दिए, क्योंकि 8000 से हमेशा निफ्टी को लॉन्ग टर्म में ऊपर ही रहना है। और जैसा कि आपने देखा, अभी निफ्टी लगभग 15700 पे ट्रेड कर रहा है, तो वहां से जबरदस्त रिटर्न मिलता, जो कि आपको टेक्निकल चार्ट पे हम दिखाएंगे। इस वीडियो में ETF से रिलेटेड आपके जो सारे के सारे कंफ्यूजन्स हैं, सारे के सारे जो सवाल हैं, उसके जवाब आपको मिल जाएंगे। तो चलिए पहले हम कुछ क्वेश्चंस हैं उसको देख लेते हैं। तो कैन आई बाय ETF डायरेक्टली? आप अपने ट्रेडिंग अकाउंट से ETF को डायरेक्टली बाय कर सकते हैं, चाहे जीरोधा हो, अपस्टॉक हो, एंजल हो, सभी में। कैन आई सेल ETF एनी टाइम? किसी भी टाइम आप ETF को सेल कर सकते हैं, जिस तरह से स्टॉक को। अब आता है डू
ETF पे डिविडेंड्स, क्या ETF डिविडेंड पे करता है, ये इसका भी सवाल का जवाब है यस। जब जब अगर आप निफ्टी की ETF को बाय करते हैं तो निफ्टी 50 में जितने भी स्टॉक्स है उसमें से कोई भी डिविडेंड पे करता है तो आपको भी डिविडेंड मिलेगा। ये डिविडेंड हो सकता है आपको मंथली पे करे डिविडेंड ETF के अनुसार, मतलब उस ETF का रूल क्या है मंथली पे करने का या किसी रेगुलर टाइम इंटरवल पे, तो उस अनुसार से आपको डिविडेंड मिलता रहेगा। उसके बाद आता है व्हाट इज एग्जांपल ऑफ एन ETF, तो जैसे निफ्टी बीज हो गया, ये निपुण इंडिया का सारा ETF है, बैंक बीज हो गया, एन ETF सेंसेक्स हो गया, उसी तरह से गोल्ड बीज हो गया, गोल्ड बीज जैसे यहाँ बैंक बीज है उसी तरह गोल्ड में बीज लगा दीजिए, गोल्ड बीज हो गया, ये सारे निपुण इंडिया के ETF है। वही सेंसेक्स का जो ETF है यहाँ पर एन लगा हुआ, एन ETF सेंसेक्स। उसके बाद आता है आर ETF सेफर देन स्टॉक्स, ETFs जो है स्टॉक से काफी ज्यादा सेफ है क्योंकि जनरली जो हमारे यहाँ ETF है वो इंडेक्स के हैं। व्हाट इज द नंबर वन ETF, नंबर वन ETF क्या है, तो हमारा जो बैंक बीज है निफ्टी बीज है यही नंबर वन ETF है। इसमें आप जब भी गिरावट मिले आप आसानी से इन्वेस्ट कर सकते हैं, कोई भी रिस्क नहीं है। क्या डू ETF हैव फीस, क्या ETF फी भी रखता है, तो जो स्टॉक को बाय सेल करने में आपके पास फी लगता है वही फी आपको ETF में जनरली लगेगा, या डिटेल के लिए आप जो है किसी भी ब्रोकर में सर्च कर सकते हैं ETF पे आपको क्या फी लगता है। जनरली जो स्टॉक पे फी लगता है वही जनरली ETF में आपको फी लगेगा, डिलीवरी में लेते हैं, ट्रेडिंग में ट्रेड करते हैं उसमें भी फी लगेगा। अभी तक हमने बहुत सारी बातें कर ली, ETF काफ़ी सेफ है, वो 100% से भी ज़्यादा सेफ इन्वेस्टमेंट है, सेफ ट्रेडिंग है। अब यहाँ हम चार्ट पे बात करेंगे कैसे ETF हमारा जो है सबसे सेफ इंस्ट्रूमेंट है इन्वेस्टिंग के लिए और ट्रेडिंग के लिए। तो ये देखिए निफ्टी का चार्ट है और सेम चार्ट आपको निफ्टी बीज का दिखेगा। देखिए ये निफ्टी बीज मतलब निफ्टी ETF का चार्ट है, आप दोनों चार्ट में देखिएगा सेम सिमिलरिटी, जब मतलब निफ्टी अपना हाई बनाएगा तो निफ्टी बीज भी अपना हाई बनाएगा, क्योंकि निफ्टी बीज जो है निफ्टी को ही ट्रैक करता है। थोड़ा सा ट्रैकिंग एरर आपको कभी कभी दिखेगा, ट्रैकिंग एरर जो होता है, निफ्टी बीज में वही स्टॉक है जो निफ्टी 50 में है, तो ये इंडेक्स है हमारा निफ्टी 50, यहाँ पर देखिए ये अपना हाई बनाया, उसी समय निफ्टी बीज भी देखिए यहाँ पर अपना हाई बनाया, यहाँ पर निफ्टी क्रेश हुआ तो निफ्टी बीज भी देखना है क्रेश होकर के यहाँ पर 82 रुपीज आया, 82 रुपीज से अभी 168 रुपीज पे ट्रेड कर रहा है, मतलब 100% से भी ज्यादा का प्रॉफिट। ये जब मार्केट क्रेश हुआ था अपना बॉटम यहाँ बना रहा था, आप यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते थे और यहाँ पर इन्वेस्ट करते यहाँ पर 100% का रिटर्न प्राप्त होता, वो भी एकदम सेफ। आप कहीं पर इन्वेस्ट, कोई यहाँ पर ट्रेप हो गया मार्केट में क्रैश होने के पहले, देखिए 130 पे, तो वो भी अभी प्रॉफिट में है। किसी भी मतलब लेवल पे आप ट्रेप भी हो जाएं, लॉन्ग टर्म में आप प्रॉफिट में रहेंगे, लेकिन आपको बाय तभी करना है ETF को जब ये इसमें गिरावट देखने मिलता है। ये तो मंथली चार्ट है, हम धीरे धीरे इसमें वीकली चार्ट डेली चार्ट पे भी डिस्कस करेंगे, पहले यहाँ पर हम मंथली चार्ट में देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर ये स्टॉक यहाँ पर निफ्टी क्रैश हुआ था, फिर यहाँ से क्रैश से यहाँ पर अभी ऑल टाइम हाई 15,708 पे अभी निफ्टी चल रहा है, लाइव है यहाँ पर देख सकते हैं लाइव। और इसको अगर आप वीकली चार्ट डेली चार्ट पे भी देखेंगे तो भी आपको दिखेगा कि डेली चार्ट पे भी अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए भी बाय करते हैं कभी भी मार्केट में गिरावट आता है। देखिए यहाँ पर मार्केट में कभी भी गिरावट आए, जिस तरह से यहाँ पर मार्केट में गिरावट आ गया काफ़ी ज़्यादा, यहाँ पर आप बाय कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम जो निफ्टी बीज है इसके भी डेली चार्ट को लगा लेते हैं। देखिए ये निफ्टी बीज का डेली चार्ट है, यहाँ पर देखिए मार्केट गिरावट हुआ, आप यहाँ पर बाय करते 153 रुपीज, 155 पे ही बाय करते थोड़ा ऊपर ही, तो वहाँ से देख सकते हैं ये फिर से अपना हाई बनाया 163 का, तो यहाँ से 8 रुपीज एक ETF पे आपको प्रॉफिट होता। तो आप जितना क्वांटिटी मतलब एक क्वांटिटी पे आप जितना क्वांटिटी चाहे बाय करते हैं 153 रुपीज में एक क्वांटिटी आएगा, आप 100 क्वांटिटी बाय करते तो आपको लगभग 800 रुपीज का प्रॉफिट होता मात्र 2 से 3 दिनों में। वहीं यहाँ पर देख लीजिए फिर से गिरावट आया, फिर से गया, फिर यहाँ पर देखिए अपना ये लो बनाया 14,188 का, तो यहाँ पर निफ्टी बीज भी अपना लो बना रहा है देख सकते हैं 152 रुपीज़ का, यहाँ 152 पे आप बाय करते अभी देखिए 168 का ये हाई 170 का लगभग हाई बना चुका है, तो लगभग यहाँ से 18 रुपीज़ का प्रॉफिट होता है यहाँ पर लगभग वन मंथ में 18 रुपीज़ का एक क्वांटिटी पे, अगर 100 क्वांटिटी बाय करते आप तो लगभग 1800 रुपीज़ का आपको प्रॉफिट होता। तो इतना सेफ है क्योंकि जब तक यहाँ से मार्केट क्रैश नहीं होता आपको लॉस होने का इसमें कोई भी चांस नहीं है। तो ये हो गया निफ्टी का ETF। अब देखिए गोल्ड ETF,
गोल्ड ETF में वही है, जब यहाँ पर गोल्ड में गिरावट होता आप यहाँ पर बाय कर सकते थे, कहीं पे भी बाय करते। अभी देखिए यहाँ पर गोल्ड जो अपना 47 रुपीज का, मतलब गोल्ड का ETF 47 रुपीज का यहाँ पर हाई बना चुका है। अभी भी गिरावट होता, देखिए यहाँ पर फिर से गोल्ड में गिरावट हुआ, 38 रुपीज पे यहाँ बाय करते, 42 रुपीज पर अभी जा चुका है, 4 रुपीज का एक क्वांटिटी पे आपको प्रॉफिट होता। तो ये ETF कभी भी आप गिरावट में बाय करते हैं, हमेशा लॉन्ग टर्म में आप प्रॉफिट में रहेंगे। अब देखिए ये सेंसेक्स का ETF है, सेंसेक्स का ETF, यहाँ से सेंसेक्स क्रैश हुआ तो ETF भी क्रैश हुआ, और ETF यहाँ पर देखिए 244 का यहाँ पर लो बनाया और अभी ट्रेड कर रहा है 566 पे ये ट्रेड कर रहा है तो सेंसेक्स। तो देखिए यहाँ पर काफी अच्छा यहाँ से आपको गेन प्राप्त होता। वही बैंक, ये देखिए ये बैंक का ETF है, बैंक ETF को आप शॉर्ट टर्म में ट्रेड करते हैं तो काफी बेहतरीन है, क्योंकि बैंक काफी वोलेटाइल रहता है, काफी देखते हैं यहाँ पर गिरावट आया। देखिए 300 का लो बनाया, 300 से ये अपना हाई बनाया 359 का, मतलब एक क्वांटिटी पे आपको 59 रुपीज का प्रॉफिट। एक ETF अब बाय करते 59 का प्रॉफिट, 100 बाय करते तो लगभग 5900 का यहाँ पर आपको प्रॉफिट मिलता। तो इतना सेफ है और इतना अच्छा प्रॉफिटेबल है ETF, तो आप इसमें शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेडिंग कर सकते हैं, पर्सनल ट्रेडिंग कर सकते हैं एकदम सेफ रूप से, क्योंकि जब तक यहां से मतलब गिरावट हो चुका है आपको इसमें एग्जिट करने का मौका भी मिलता है। अगर आप थोड़ा मतलब शॉर्ट टर्म में लग रहा है कि यहाँ से ऊपर नहीं जाने वाला है बैंक निफ्टी, तो आप शॉर्ट टर्म में जैसे यहाँ ऊपर आए आप यहाँ पर निकल सकते हैं। तो काफ़ी सेफ है, काफ़ी सुरक्षित है, आप इसमें ट्रेडिंग भी कर सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, पोजिशनल ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, स्विंग ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। जैसे ये स्विंग हुआ, इस स्विंग को ट्रेड करते, यहाँ पर ये स्विंग आया बैंक निफ्टी में, इस स्विंग को ट्रेड कर सकते थे। तो उम्मीद करते हैं कि आप ETF से रिलेटेड आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। जैसे हम लाइव आते हैं आने वाले समय में, तो वहाँ पर हम बहुत सारे ETF को आपको रिकमेंड करते रहेंगे कि अभी आप ये ETF बाय कर सकते हैं, क्योंकि ETF काफ़ी सेफ इन्वेस्टमेंट है। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।